आदमी अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, लोगों में अपने आप को मालदार दिखाने के लिए, अपनी झूठी इज्जत का भरम दिखाने के लिए शादी में फजूल खर्ची करता है, सूदी कारोबार। और आज तो राजस्थान और यूपी के लोग तो करोड़ करोड़ पति भिखारी लोग हैं। हाँ मेरे दोस्तों, है भिखारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने प्याला लेकर भीख मांगने वाला नहीं बनाया। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी शादियां होती है, शादी में आज मियां बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। मियां बीवी के दरमियान झगड़े हुए, नई नई शादी हो गई, कुछ जमाना गुजरा, मौलाना के पास आ गए, मौलाना तावीज दे दो, मेरे घर में बीवी से झगड़ा है। बीवी कहती है, मौलाना मेरे घर में शौहर से झगड़ा है, इस झगड़े की वजह क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस झगड़े की वजह सुन लो, इस झगड़े की वजह सुन लो। आज एक बाग मालदार था, उसने तो अपनी बेटी की शादी कर ली और उस शादी में उसने फजूल खर्ची इतनी की, इतना उसने माल लुटाया, खाने में फजूल खर्ची और न जाने कितनी चीजों में फजूल खर्ची कर ली। और पड़ोस में एक बेटी गरीब की थी। अब उस बेटी ने देखा कि मालदार की बेटी को तो एक दूल्हा दुल्हन बनाकर ले जा रहा है। वो बेटी अल्लाह के सामने तक्के में मुंह डालकर रोती होगी, अल्लाह काश तूने मेरे बाप को भी माल दिया होता, अल्लाह काश मैं भी मालदार की बेटी होती तो मुझे भी कोई ले जाने वाला होता। मेरे दिल में भी तो आखिर एक तमन्ना है, मेरे दिल में भी तो आखिर एक आरज़ू है, मेरे दिल में भी तो आखिर एक हसरत है। उस वक्त मेरे दोस्तों, जो बेटी की रोने की आह निकलती है, वो तेरी बेटी और तेरे बेटे के रिश्ते की बरकत को खत्म कर देती है। आज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जहाज को मांग मांग के लिया जाता है, लड़की वालों से भीख मांगी जाती है कि हमें इतना माल देना पड़ेगा, शराइत रखते हैं कि इतनी गाड़ी देनी पड़ेगी, इतना सोना देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, जब जाके हम तुम्हारी लड़की को ले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस चक्कर में बाप सूदी कारोबार में पड़ता है। तो ये नहुसत किसकी वजह से हुई? अरे मेरे दोस्तों, लड़की वालों से भीख मांगते हो, लड़की वालों के सामने अपने हाथ फैलाते हो, शुक्र करो अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया, वरना मस्जिद के बाहर भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाना पड़ता। अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया मेरे प्यारे दोस्तों। ये गुनाहों की नौसत हमारे अंदर कहां से आ गई है? बड़े अखलाक से भीख मांगी जाती है, भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की दे दो। और एहसान समझते हैं, निकाह करने के लिए गए तो समझे कि भाई हमने लड़की फुला की लड़की ली तो बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं मेरे दोस्तों, वो वालिदैन से पूछो, वो बाप के दिल से पूछो जिसने अपनी बेटी को बड़ा किया है, जिसने अपनी बेटी की तरबियत की है और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले किया है, और तुम ये समझते हो कि हमने एहसान किया है।